भी महाराजे हैं उन सब से आप लिख के पूछ लीजिए कि अगर अखबारी है कोई शख्स तो क्या उसको बुरा भला कहा जा सकता है? वो ये कहेंगे नहीं कहा जा सकता। क्यों? अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा, शेख हुर्रे आमली और दुनिया के जो बड़े बड़े फुकहा शिया गुजरे हैं उन सबके बारे में ये मिलता है कि उनका नजरिया ये था कि गैर मासूम की तकलीद बगैर नस के नहीं की जा सकती। और आज का जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो लफ्ज इश्तिहाद इंट्रोड्यूस हुआ है और लफ्ज मुज्तहिद हुआ है जो ब्लाइंड फॉलोइंग जो शुरू हुई है उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आए। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा जो कहने का मकसद है वो ये कि अखबारी बरादरान जो हमारे हैं उनका एक अपना अलग नजरिया है। उनका नजरिया यह है कि वो हदीस तकलीद को नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि गैर मासूम की तकलीद हराम है, गैर मासूम की तकलीद गलत है। और हमारा नजरिया यह है कि चूंकि गैर मासूम की तकलीद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर में मिलती है लिहाजा वो चार शर्तों पर पूरे उतरने वाले फकीह अगर मिले तो तकलीद आप करें, ना मिले तो आप रुजू करें। और अखबारी बरादरान रुजू करते ही हैं तो फिर उस रुख से उनको बुरा नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई उन पर अटैक कर रहा हो या कोई कुछ कहना चाहता है बस इतना कह सकता है कि भाई हदीस तकलीद के बारे में हमारा इल्म, वो हमारा इल्मी डिस्कशन चलता रहता है।